अस्सलाम वालेकुम एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग सब बिल्कुल ठीक होंगे। आज की वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ रेवोल्यूशन के चॉकमेंट पैलेट का रिव्यू, और हम इसके साथ एक क्रिएट करेंगे इजी पीजी सा आई लुक। सो वीडियो को कंप्लीट देखिएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इसको लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल ऑल्सो। अच्छा जी, तो सबसे पहले हम देख लेते हैं इस पैलेट का हाल चाल की अंदर से किस तरह की दिखती है। इसका लुक बहुत अच्छा है, बहुत ही स्लीक सी पैलेट है, और इसकी स्वॉचेस मैं आपको करके दिखाऊंगी। बहुत ही प्यारे से स्वॉचेस हैं, पिगमेंट बहुत अच्छी है। लाइक ये सिर्फ स्वॉचेस की हद तक नहीं, बाकी अगर आप इसको अपनी आईज़ पे लगाएंगे तो ये इसका कलर पे ऑफ भी अच्छा है। ठीक है, अब यहाँ पे मैं कर रही हूँ स्वॉचेस एंड लुक एट द कलर। ये जो है वो अगर बात आए तो ये नॉर्मल बेसिक सी पैलेट है। अगर आप बिगनर हो और अगर आपको लेनी है तो आप इस तरह की पैलेट ले सकते हो, क्योंकि इसमें दो ग्लिटरी शेड्स हैं, दो शिमरी शेड्स हैं, और बाकी जो है वो इसमें चार मैट शेड हैं। तो मैंने इसमें एक बहुत ही इजी सा एक आई लुक क्रिएट किया है। अच्छा पहले बता देती हूँ, मैं कोई मेकअप आर्टिस्ट नहीं हूँ, ना मुझे मेकअप कोई अच्छा अच्छा आता है। जैसा आता है मैंने आपके साथ शेयर कर दिया। आई एम जस्ट अ बिगनर जस्ट लाइक यू। सो प्लीज़ कमेंट्स पे ज़रा अपना हल्का हाथ रखिएगा। और अब यहाँ पर जो है वो मैंने यूज़ किया है कलर करेक्टर एल्फ का, क्योंकि मेरे डार्क सर्कल्स बहुत हैं। सो डार्क सर्कल्स को थोड़ा सा कवर करने के लिए मैं पहले कलर करेक्शन करती हूँ। अगर आपके भी मेरी तरह डार्क डार्क बहुत ज़्यादा आईज़ हैं, डार्क सर्कल्स बहुत ज़्यादा हैं, तो पहले कलर करेक्ट करो ऑरेंज का, उसके बाद जो है वो आप यूज़ करो कंसीलर। पर मैंने कंसीलर यूज़ किया, वो भी मैंने एल्फ का यूज़ किया है, क्योंकि मुझे जो है वो यही वाला कंसीलर सूट करता है। और ये जो है वो स्टिक कंसीलर है, ये स्किन पर बहुत अच्छे से बैठ जाता है। अभी आप देखेंगे कि वाकई डिफरेंस आया है मेरे फेस पर। इसको लॉक करने के लिए हम यूज़ करेंगे का मैरिफाइंग कॉम्पैक्ट पाउडर, और इसका शेड जो है बेज है। अच्छा शेड्स जो है वो मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी, प्लीज़ इसको चेक कर लीजिए, क्योंकि मैं अब वॉइस ओवर कर रही हूँ तो मुझे कुछ याद नहीं है कौन से किसका शेड है। और अब यहाँ पर मैंने लिया है एक पीच कलर का एक मैंने शेड लिया है, और इसको मैं करूँगी अब अच्छे से ब्लेंड अपनी आईज़ पे। हमने इसको आउटर कॉर्नर पे ट्रांजिशन शेड बेसिकली मैंने लिया, ट्रांजिशन शेड लाइट सा लें ताकि ब्लेंड करने में आसानी रहे, और फिर कलर्स को आप बिल्ड करते रहो जैसा आपको जो चाहिए। और मैंने अभी पीच कलर से इसको बिल्ड किया है। अब मैं यूज़ करूँगी, अभी आप देखिएगा लुक कैसा कुछ चेंज आएगा। अब मैं यूज़ करने वाली हूँ ब्राउन लुक, जो कि आपको दिख रहा है हार्ड जिसे मैंने लगाया हुआ है। अब हम यूज़ करेंगे ब्राउन कलर इस वाली पैलेट में से। और बस आप लोग मुझे बताइए आप लोग का रमज़ान कैसे गुजर रहा है, रोज़े कैसे जा रहे हैं। कराची में तो भाई बहुत गर्मी है, बहुत बुरा हाल है यहाँ पर लोगों का। सो बाकी शहरों वाले लोगों का क्या हाल है, उनके रोज़े कैसे जा रहे हैं। एंड अब यहाँ पर जो है वो बस मैंने स्पीड तेज़ कर दी है। अच्छा ब्लेंडिंग इज़ द की, जितना ब्लेंड करोगे उतना अच्छा लुक आएगा, ये बताने की ज़रूरत नहीं, आप सबको पता ही होगा। और अगर आप भी मेरी तरह मेकअप बिगनर हैं और मेकअप करना बहुत पसंद है लेकिन इतना आता नहीं है, तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा, हम हाई फाई करेंगे। और यहाँ पर जो है वो मैं ले रही हूँ एक बिल्कुल नॉट क्लीन, लेकिन ऐसा लेना जिसमें कोई ऐसा ब्रश हो जिसमें कोई भी शेड ना हो, ताकि आराम से दो कलर्स को ब्लेंड कर सको। और मैंने जो पीच कलर यूज़ किया था और ब्राउन कलर, उसको मैंने ब्लेंड किया है, और ये लुक जो है ना वो काफ़ी अच्छा लग रहा था। अगर अच्छा खाली ये दोनों शेड्स भी अब लगा के किसी अगर आपको कोई ऑफिस में अगर गैदरिंग है कुछ भी है तो आप उसमें भी लगा सकते हो, और ये शिमर शेड्स अगर आप शादियों में जा रहे हो तो उसमें लगा लो। बाकी मैंने यहाँ पे ग्लिटर शेड यूज़ किया, और इसका पिगमेंट बड़ा अच्छा है। और मैं जब काफ़ी दिनों बाद वॉइस ओवर करती हूँ तो मैं ऐसा लगता है मैं भूल जाती हूँ वॉइस ओवर करना। खैर अच्छा जी, अब यहाँ पर जो है वो हम यूज़ कर रहे हैं ग्लिटर शेड, जो कि है ब्राउन्स कलर में। और ये पता नहीं कैमरे पे इतना अच्छा नहीं आ रहा, लेकिन कैमरा इसको पिक नहीं कर रहा बेसिकली, लेकिन ये रियल में वाकई बहुत अच्छा लग रहा था। और अब मैंने यूज़ करनी है, अच्छा फिर मैं इसको ब्लेंड कर रही हूँ ताकि हमारे कलर्स जो है वो अलग अलग ना लगें। और अच्छा मैंने आईब्रोज़ नहीं बनाई थी, अगर आप लोग आईब्रोज़ बनाते हो ना सो आप लोग को जो भी प्रोडक्ट यूज़ करते हो आप लोग यूज़ कर लेना, मैंने यहाँ पे प्रोडक्ट यूज़ नहीं किया क्योंकि मैं आईब्रोज़ नहीं बनाती। और अब मैंने यूज़ करनी है ये वाला मस्कारा, मस्कारा जो है वो है एसेंस का मस्कारा, और ये मस्कारा बहुत अच्छा है। अभी आप देखेंगे मस्कारा लगाते लगाते थोड़ा फैल भी जाएगा, तो मैं इसको वाइप ऑफ कर दूँगी कैमरे, जो कि मैंने शो नहीं किया आप लोगों के साथ। और अभी आपको मैं एक आंख का डिफरेंस दिखा रही हूँ। ये मस्कारा बहुत अच्छा है, अगर आपको एक मस्कारा लेना है जो कि वॉल्यूमिनस हो, लोगे जो कि लेंथनिंग हो, गो फॉर दिस वन, यू गोइंग टू लव इट, दुआएं देंगे आप मुझे।
और अब मैं मस्कारा यूज़ करने वाला। अच्छा ये वाटर प्रूफ नहीं है पहले बता देती हूँ, लेकिन बेस्ट है ये। अच्छा और उसके बाद जो है वो मैं क्या कर रही हूँ मुझे खुद भी नहीं पता। आई गेस मैं जो है वो डार्क, अच्छा हाँ मैं अब जो है वो इसको हमारी लोअर लैश लाइन पर जो है वो इसको कर रही हूँ ब्लेंड। जो कलर्स मैंने यूज़ किए हैं लाइट सॉरी पीच कलर एंड ब्राउन कलर, सो या। और अब यहाँ पर जो है वो आई गेस कुछ हो गया है, हाँ कुछ हो गया है, इसमें कुछ मिस्टेक हो गई है। अच्छा मैंने ब्लैक कलर का जो है वो थोड़ा सा टच दिया था, मतलब कि ब्लैक कलर का थोड़ा सा लेकर शेड को लेकर दूसरी पैलेट से, क्योंकि इसमें ब्लैक कलर नहीं था, सो मैंने उसमें अपने आउटर कॉर्नर्स पे लगाया था और उसको फिर मैंने ब्लेंड कर लिया था। अगर आपको ब्लैक कलर नहीं लगाना आप ना लगाओ, आपकी मर्ज़ी, आपके पास जो पैलेट अवेलेबल है आप उससे अपना कलर आई लुक कर सकते हो। और आई फील लाइक लेस इज़ मोर, मुझे कम शेड्स यूज़ करना ज़्यादा अच्छा लगता है, क्योंकि डेफिनेटली मुझे इतना आई लुक आता नहीं है इतना मेकअप करना, तो मैं थोड़े से ही मेकअप पे ही मुझे लगता है वो ज़्यादा मेरे लिए इजी टू हैंडल होगा। और मैंने यहाँ पे जो है वो मैंने यहाँ पर जो है वो क्रिस्टीन का जो पेंसिल लाइनर होता है ना वो मैंने लगाया था, जो कि मैंने आँख से काफ़ी साल पहले लिया हुआ है, लेकिन वो मैंने अब यूज़ किया है। और अब बस ये दिस इज़ द फाइनल लुक। और आई होप यू गाइस लाइक दिस वीडियो एंड इफ़ यू डिड सो डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। मेरा आपको तक के कलाम याद हो जाना चाहिए। और इंशाल्लाह मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, बाय बाय, टाटा।